दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सभी के मन में एक सवाल आ रहा है कि भाई, स्पेशली स्मार्टफोन इंडस्ट्री में, कि भाई ये जो अभी सब कुछ चल रहा है कोरोना वायरस पैंडेमिक, इसकी वजह से स्मार्टफोन इंडस्ट्री पे क्या अफेक्ट पड़ने वाला है, हाउ इज इट गोइंग टू चेंज द स्मार्टफोन इंडस्ट्री। दोस्तों, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे ऐसे इफेक्ट होने वाला है इस पैंडेमिक का स्मार्टफोन इंडस्ट्री पे। आज की वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं, पूरा देखिए वीडियो एंड तक देखिए, आपको पता चल जाएगा, इवन इफ यू आर लिटिल बिट इंटरेस्टेड इन इंडियन एंड ग्लोबल स्मार्टफोन इंडस्ट्री। लेकिन दोस्तों, बताने से पहले, अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए, ताकि हमारे वीडियो के, ऑसम वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों, इस पैंडेमिक की वजह से स्मार्टफोन इंडस्ट्री पे क्या इफेक्ट होगा, इससे पहले, ये जानने से पहले, आपको ये जानना है कि लोग कैसे चेंज हो गए हैं इस COVID-19 की वजह से। जी हाँ, ये जो पैंडेमिक चल रहा है उसकी वजह से सभी लोग घर में हैं, सभी लोग डरे हुए हैं। स्पेशली आप मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास इन फैमिलीज के पास देखिए, जो सबसे ज्यादा स्मार्टफोन खरीदते हैं, जो मिड रेंज के होते हैं, अभी सबसे बड़ा चेंज ये आया है कि लोग पैसा खर्चा करने से कतरा रहे हैं। दे आर नॉट स्पेंडिंग मनी। उनको लग रहा है कि यार, ये अचानक से ऐसे हो गया, फिर से और कुछ हो गया तो क्या होगा, उसके लिए पैसे जमा करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब एक बेसिक थॉट प्रोसेस में चेंज आ गया है लोगों के। लोग अभी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं सिर्फ इसेंशियल चीजों पर। जी हाँ, और अगर आप स्मार्टफोन के पास देखोगे, दैट इज इन माय व्यू अ नॉन इसेंशियल थिंग, एटलीस्ट नाउ। सबसे बड़ी चीज जो अब लोग कर रहे हैं वो है सेविंग मनी। जी हाँ, बैंक बैलेंस होना चाहिए, कुछ और भी हो गया उसके लिए पैसे हमारे पास होने चाहिए, ऐसे लोगों का ख्याल है। तो समझिए, ये जो लॉकडाउन है ये उठ गया, अब 10 दिन में उठेगा, 15 दिन में उठेगा, जब भी उठेगा, उसके बाद में भी अगर पैंडेमिक के पहले कोई एक नया फोन खरीदने वाला था, वो भी नहीं खरीदेगा। वो पहले जो इसेंशियल चीजें हैं, जिसके लिए पैसे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो सब उसके पास ज्यादा महत्व देगा, या फिर इंपॉर्टेंस उसको ज्यादा देगा, और उसके बाद में सोचेगा कि स्मार्टफोन मैंने खरीदना चाहिए। जी हाँ, स्मार्टफोन इज वे डाउन द लिस्ट। तो स्मार्टफोन बाइंग डिसीजन पोस्टपोन तो होने वाला है, लेकिन और एक चीज होने वाली है। सोचिए दोस्तों, जो ऐसे अपना बजट स्ट्रेच करके 30,000 के जगह पे 40,000 का फोन लेने वाला था, या फिर 50,000 का फोन लेने वाला था, वो अब सोचेगा मुझे जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड अ फ्लैगशिप स्मार्टफोन, एक मिड रेंज 15,000 के फोन में भी मेरा काम हो जाएगा। जी हाँ, बिकॉज फॉर हिम राइट नाउ प्रायोरिटी इज नॉट स्मार्टफोन, प्रायोरिटी इज हैविंग मनी इन द बैंक। ये जो बेसिक साइकी चेंज हो गई है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट होने वाला है हमारे स्मार्टफोन इंडस्ट्री पे। और दोस्तों, अगर कंज्यूमर्स नहीं खर्चा करने वाले हैं, कम पैसा खर्चा करने वाले हैं स्मार्टफोन इंडस्ट्री पे, इसका मतलब स्मार्टफोन ब्रांड, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स क्या क्या होगा, ऑब्वियसली सेल्स विल फॉल डाउन। मैं कुछ नंबर्स देता हूं। फरवरी में, जब इंडिया में चालू भी नहीं हुआ था, चाइना में चालू हो गया था, ग्लोबल में कुछ कुछ जगह पे चालू हो गया था, उस महीने में 30% से स्मार्टफोन्स बाइंग कम हो गया। पहली बार पिछले 10 सालों में पहली बार ऐसे हुआ कि स्मार्टफोन ग्रोथ जो है 30% से गिर गई। मार्च में ये नंबर दोस्तों कहा जा रहा है 50-60% गिर गया, एंड अप्रैल में इट इज अबाउट 80-90%। ऑब्वियसली दोस्तों, पूरा लॉकडाउन है, फ्लिपकार्ट बंद है, अमेजॉन बंद है, मोबाइल के शॉप्स बंद है, कोई भी कुछ नहीं खरीद रहा है, देर इज नो सेल्स एट ऑल, देर इज नो ग्रोथ, इनफैक्ट कोई भी अभी नहीं खरीद रहा है। मार्च एंड अप्रैल 2020 हैव बीन वर्स्ट मंथ्स फॉर स्मार्टफोन ब्रांड्स। सोचिए दोस्तों, एक जस्ट मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी, बड़े रिसर्च एजेंसी की रिपोर्ट है, जहां पे उन्होंने कहा था कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री जो है $2 बिलियन का नुकसान होने वाला है। $2 बिलियन, यानी 15,000 करोड़ रुपए, दैट्स अ बिग नंबर। और इतना सब स्मार्टफोन ब्रांड जो है उन्हें अब्सॉर्ब करना है। चलिए दोस्तों, एक बात सोच लीजिए कि लॉकडाउन ओपन भी हो जाता है, उसके बाद में भी इमीडिएटली लोग बाय नहीं करेंगे। जैसे मैंने कहा था कि स्मार्टफोन बाइंग डिसीजन पोस्टपोन कर रहे हैं लोग, अब चाहिए उतना बाय नहीं कर रहे हैं। पहले चाहिए होगा, मतलब जैन में बोला था कि मैं नया फोन लेने वाला हूं 1-2 महीने में,
अब नहीं लेंगे। ये सिर्फ अभी नहीं दोस्तों, लॉकडाउन हटने के बाद 3-4 महीनों तक भी मुझे लगता है कि ये जो स्मार्टफोन सेल्स है बढ़ेंगे नहीं। जी हाँ, थोड़े, क्योंकि जिसको एकदम ज्यादा जरूरत है, इमरजेंसी जरूरत है, वो जरूर खरीदेंगे, लेकिन बाकी सब लोग अपना जो डिसीजन है, समझिए उनके पास एक फोन है, वो अपग्रेड करना है उन्हें, वो नहीं करेंगे। वो कहेंगे 3-4 महीने मैं रुक जाता हूँ, पैसे थोड़े जमा करता हूँ, उसके बाद में देखता हूँ। जिनको नहीं चाहिए, जो फ्लैगशिप वाले लेने वाले थे, वो भी नहीं लेने वाले हैं, छोटा सा फोन, मिड रेंज का फोन ले लेंगे। मुझे लगता है दोस्तों अगले 3-4 महीने आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली टफ। दोस्तों अब देखते हैं स्मार्टफोन लॉन्चेस की तरफ, उनका क्या होने वाला है। ऑब्वियसली अगर इतना नुकसान झेलना पड़ने वाला है स्मार्टफोन ब्रांड्स को, तो वो जितने फोन्स लॉन्च करने वाले थे वो नहीं करने वाले हैं, और वैसे भी उनको चाहिए फिर भी वो नहीं कर पाएंगे। याद रखिए, ये जो फैक्ट्रीज है, जो मैन्युफैक्चरिंग असेंबली प्लांट्स है, 2-2 महीने तक, 6-8 हफ्तों तक बंद थे, तो ऑब्वियसली जो सप्लाई चेन होने वाली है दैट इज कंप्लीटली डिस्टर्ब्ड। जी हाँ, सोचिए जैन फेब जहाँ पे चाइना में कम्प्लीटली लॉकडाउन था, उधर बंद थे, उसके बाद में मार्च अप्रैल में पूरे ग्लोबली, मतलब इंडिया में तो है ही, उसके बाद में यूएस यूके सब जगह पे लॉकडाउन है। इसका मतलब इसेंशियली एक 4-5 महीनों का गैप आ गया है जहाँ पे सप्लाई चेन जो है स्मार्टफोन की, मतलब चाइना से सब कंपोनेंट्स आते हैं, असेंबल होते हैं, रिटेल यूनिट्स में जाते हैं और फिर आप खरीदते हो, ये जो कंप्लीट सप्लाई चेंज है दैट इज गॉट कंप्लीटली डिस्टर्ब, और इसे लाइन पे आने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। और उसकी वजह से क्या होगा, जी हाँ, नए फोन्स नहीं आने वाले हैं, लॉन्चेस नहीं होंगे। मैंने टेक न्यूज़ में आपको बताया, और सोचिए सिर्फ स्मार्टफोन असेंबली नहीं होती है, उनके प्रोसेसर्स भी होते हैं, 5nm, 3nm, 7nm, उनका जो है, जो 2 साल के बाद, 1 साल के बाद स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं, उसके प्लानिंग अभी होता है, अभी उनके प्रोसेसर्स पे काम चालू हो जाता है, डेवलपमेंट चालू हो जाती है, मैन्युफैक्चरिंग चालू हो जाता है, वो सब ठप हो गया है 4-5 महीनों के लिए। ऑब्वियसली अगले 1-1.5-2 साल तक जो प्लानिंग थी स्मार्टफोन ब्रांड्स की, लॉन्चेस की, वो चेंज होने वाली है, और चेंज कैसे होगी, बहुत कम स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं। जी हाँ, अगर पहले 15-18-20 लॉन्च होने वाले थे, तो मेरे हिसाब से अब 8-10 जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्चेस हैं सिर्फ उतने ही होंगे, क्योंकि स्मार्टफोन ब्रांड्स को भी खर्चा आता है ये सब मैन्युफैक्चर करने के लिए। अगर उनको इतना नुकसान हुआ है, दे आर गोइंग टू थिंक ट्वाइस डेफिनेटली। तो फाइनली आप पूछोगे कि भाई फिर क्या ऐसे ही चलने वाला है? नहीं, मुझे लगता है कि सितंबर अक्टूबर जब फेस्टिव सीजन होता है, स्पेशली इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, फेस्टिव सीजन में डिमांड डेफिनेटली ग्रो होगा। जब सितंबर आ जाएगा, उसके पहले अगस्त में बहुत सारे आप फोन्स लॉन्चेस देखोगे, बहुत सारे जो स्मार्टफोन ब्रांड्स ने जो पोस्टपोन किए हुए थे, वो शायद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 3 महीनों में ज़्यादा लॉन्चेस होंगे। देयर विल बी अ मार्केटिंग ब्लिट्स, क्योंकि तब तक खर्चा नहीं करेंगे, लेकिन फेस्टिव सीजन में आपको पता है हम इंडियन लोग बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, एंड दैट विल बी द टाइम व्हेन स्मार्टफोन सेल्स विल डेफिनेटली ग्रो। लेकिन दोस्तों इसमें भी देर आर इफ्स एंड बट्स, इसका मतलब अगर ये पैंडेमिक अप्रैल, मिड अप्रैल, मई 15 तक कम हो जाता है, कंट्रोल में आ जाता है, तो अगर ये फिर से एक्सटेंड हो गया, सेकेंड वेव आ गई खुलने के बाद फिर से, then it is going to be extremely difficult। अगर आप मुझसे पूछते हो कि पहले जैसे सब normal पर कब आएगा, तो मुझे लगता है एटलीस्ट टिल June 2021। जी हाँ, पूरा 1 साल जाएगा, हमें 1-1.5 साल जाएगा सब कुछ normal पर आने के लिए। And again, let me warn you कि ये अगर control में timely आ गया तो, वरना इट विल एक्सटेंड इवन फर्दर। तो दोस्तों यही बताना था आपको, बहुत सारे लोगों ने पूछा, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल था, तो मैंने कहा एक वीडियो करके आपको मेरे जो विचार हैं वो बता दूं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, ताकि उनको भी पता चले कि भाई स्मार्टफोन इंडस्ट्री में क्या होने वाला है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।